है पूरा राम दरबार यहाँ पर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब एक नंबर का लग रहा है, मजा आ गया। उत्तरायणी का मेला और उत्थान मजो, और आज है उत्तरायणी की शोभा यात्रा जिसमें काफी प्यारी प्यारी पहाड़ी कल्चर की झांकी मिलेंगी देखने के लिए। और अभी मैं हूँ घर पे, अभी बज रहा है दोपहर के 12। गुड आफ्टरनून, सलाम नमस्ते, राम राम, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाना मेरा काम गाइस। फटाफट से ज्यादा देर ना करते सीधे मिलते हैं आपको उत्थान मंच में। अभी हम उत्थान मंच पहुंच गए और बाइक से नहीं आया, आज मैं आया हूँ पैदल, क्योंकि बाइक से आता तो पूरा कैप्चर नहीं कर पाता, इसमें पैदल आया हूँ। और यहाँ पे देखो शोभा यात्रा जो है निकल रही है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम आ रहे हैं उत्थान मंच में से घूम के, और वहाँ पे जो है भीड़ इतनी है, कुछ बोलो तो मतलब आवाज़ ही नहीं आएगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पर। और अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ फिर से शोभा यात्रा की तरफ, और वहाँ पर आपको जाकर दिखाऊंगा कैसी कैसी कुमाऊँनी झांकी आई हुई है, बहुत ही प्यारी प्यारी झांकी हुई है। मैं तो अभी आधा ही देख पाया हूँ, आधा भी और आगे जाकर देखते हैं, बहुत ही भीड़ है यार यहाँ पर। तो लाइन सब आपकी जाके बद्रीनाथ का है, जहाँ पर भी यमुनोत्री यमुनोत्री ये बागेश्वर और ये हमारा उत्तराखंड पॉलिटिक्स की विशाल शोभा यात्रा की गोलू देव की यात्रा थी। और गोलू देव को हमारा जो कहा जाता है न्याय का देवता कहा जाता है, या इनके मंदिर जो है आज भी जो है लिख के मुरादे मांगता है, जो भी इनके काम होते हैं सारे काम पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद वहाँ जाते हैं। गोलू देव की अगर आपकी मंदिर की आप वीडियो देखना चाहोगे तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको गोलू देव की मंदिर की वीडियो दिखाऊंगा। जो रियल मंदिर है, तीन मंदिर है यहाँ पर। और अब हम आ गए जेल रोड चौराहे पर, वाओ। अभी ब्लॉग बना ही रहते तो हमारा एक दो हमारा पावर भी मिल गया है, और भी काफ़ी अपना अच्छा यार है भाई, लाइक कर रहा है क्या बात है भाई, इधर लाइक कर रहा हूँ, मैं इधर ब्लॉग बना रहा हूँ। और यहाँ पर ना एक घर बहुत ही प्यार राम दरबार सजा हुआ है, काफ़ी अच्छा राम दरबार लग रहा है, मेरा दिल खुश हो गया इसको देख के। ये है पूरा राम दरबार यहाँ पर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब एक नंबर का लग रहा है, मज़ा आ गया। यह है हमारा चितई गोलजी देव की मंदिर की झांकी, जो कि अल्मोड़ा में है, काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी जाता है सच्चे मन से मुराद मानता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। जय जय गोलजू महाराज की, जय हो, जय हो महाराज की। आज हमारी माता है बहने गोलजू देवता के झांकी पे जो है फूल बरसाने के तैयार खड़ी है बिल्कुल। ऐसे भी थोड़ा आगे बढ़े थे तब तक हम पहुंचे चार साहिब गुजारे, जहाँ पे जो है हमारे सिख भाइयों ने जो है चाय का लंगर लगा रखा है। और ये है अपना चार साहिब जाते गुरुद्वारे, गोविंदा
शोभा यात्रा वो पहुंच गई मीरामार, और मैं इस टाइम जो बैठा हूँ मीरामार के चौराहे बैठा हूँ। भाई साहब थक गया तो किसी होटल की सीढ़ियाँ मिली, यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लगी थी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। और अभी यहाँ पर जो शोभा यात्रा के शुरुआत में हूँ यहाँ पर, और अभी से यहाँ पर जाम कर दिया। देखो पुलिस प्रशासन जी पूरा अलर्ट पे है यहाँ पर देखो, और बस कुछ ही देर में यहाँ पर शोभा यात्रा आएगी, फिर आपको पूरी शोभा यात्रा दिखाते हैं यहाँ से। भाई साहब रथ बड़ा प्यारा लगा राम दरबार की तो कोई बात ही नहीं है, एक नंबर का राम दरबार लगा था यार। यात्रा कर दिया है भाई भाई, और मैं जो उत्थान में जा ही रहा था, ये पता नहीं पागल मेरे साथ कहाँ से पल्ले पड़ गई कि पता नहीं रास्ते में इसने मेरे को देख लिया, कह रहे मैं भी चलूंगी साथ में तुम्हारे, ड्यूटी से चिका से घर जा रही थी, पता नहीं मैं इसको कहाँ से दिख गया। अब इसको लेकर फिर मैं वही जा रहा हूँ मेले उत्थान मंच में। सुबह तो यहाँ पर जो थी धूप थी अच्छी खासी, अब जो है ठंडा हो गया यहाँ पर, देखते हैं जाते मेले में, लेकिन इसको खिलाऊंगा कुछ नहीं, ऐसे ले आऊँगा वापसी। सो गाइस अभी हम आ गए हैं उत्थान मंच में, और यहाँ पे देखो भीड़ कितनी हो रही है, चारों तरफ भीड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, बच्चे झूले उड़े झूले। तो गाइस अभी आ गए हम घर पे, और अभी घर पे आके सबसे पहले गया बाथरूम, क्योंकि मेरे को बाथरूम लगे थे बहुत जोर की, पूरे चल जाकर थक गया हूँ। और होप करता हूँ इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, मजा आएगा तो आपको बताया करना, वीडियो को लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक बार फिर से कह रहा हूँ आप सभी को उत्तरायणी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और आप सभी एक बार कहना चाहूँगा प्लीज़ आप जब भी सुबह पूजा कर रहे हैं या नमाज पढ़ें या गुरुद्वारे जाए, प्लीज़ जोशीमठ के लिए प्रेयर जरूर करें कि जोशीमठ को भगवान बचा ले, क्योंकि वहाँ बहुत तगड़ी विपताई हुई है। इसलिए इसी बात पर अपनी वीडियो को एंड करो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नई वीडियो किसी और नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।